अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे तरियाकी चिकन और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस, बड़ी ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी है और इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तरियाकी चिकन बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करना है और चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर एंड 2 टीस्पून्स ऑफ सोया सॉस, क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ऑफ पेपरिका और लिटिल बिट ऑयल। साल्ट डालेंगे चिकन में, गार्लिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ब्लैक पेपर और पेपरिका यानी कि देगी मिर्चें। ये कलर के लिए डालनी चाहिए और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, वैसे कलर बहुत अच्छा आता है इससे मीट का। और थोड़ा सा ऑयल, और आपने ये रेसिपी देखनी भी है आप पूरी और इसको बना के ट्राई भी करना है बहुत। और इसमें सबसे एंड पे डालेंगे सोया सॉस और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ मैंने धोए हुए हैं मगर इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए चिकन आपका। हमारा मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह से, अब इसको ग्रिल करेंगे। हाई हीट पे मैंने अच्छी तरह से चिकन को पका लिया ताकि ऊपर बर्न मार्क्स आ जाएं, स्मोक फ्लेवर आ जाए। अब मैं इस चिकन को थोड़ा सा साइड पे रख के ग्रिल की साइड पे कर दूंगा जहाँ पे कोयले बहुत कम है, आग बहुत कम है। तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, इनको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूंगा, तो थोड़ा हीट में, लो हीट में ही अंदर से अच्छी तरह से पक जाएंगे। आग से थोड़ा सा साइड पे रख दिया, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगा ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। हमारा रेडी है, पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम बनाएंगे तरियाकी सॉस, और तरियाकी सॉस बनाने के लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से है सबसे पहले विनीगर, सोया सॉस, हनी, वाटर, सेसमी सीड्स, बटर, जिंजर, ब्लैक पेपर और ब्राउन शुगर, सॉल्ट और ये है कॉर्न स्टार्च, इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए। साथ बड़े गौर से ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। इसमें डालेंगे बटर, जिंजर डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, हनी डालेंगे,
और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, थोड़ी सी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सॉल्ट डालेंगे। आंखों में धुआं लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लकड़ियों की आग है ना, मगर फ्लेवर लकड़ियों की आग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने वैसे कोयले भी डाले थे थोड़े से, तो ये मैंने कॉर्न स्टार्च को पानी में मिक्स कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉस को थिक करने के लिए जो है कॉर्न स्टार्च डालेंगे। चिकन को ग्रिल चिकन को सॉस के अंदर डाल के थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि जो अच्छी तरह से जो है ना सॉस चिकन को चिपक जाए। ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है, वेरी टेस्टी, और थोड़ा सा स्वीट होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तिल का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तिल डालने बहुत ज़रूरी है। सेसमी सीड डाल के भी इनको अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे, ताकि चिकन के अंदर तिल का फ्लेवर यानी कि सेसमी सीड्स का भी फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके अंदर। ओके जी, टेस्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेग एंड थाईज बनाई है मैंने, मुझे थाई ज़्यादा पसंद है, मगर इस टाइम मैं वीडियो में आपको लेग खा के ट्राई करके दिखाऊंगा कि कैसी बनी है। आप इसको फ्राई भी करके बना सकते हैं, सॉस बेसिकली इसका फ्लेवर सारा सॉस का है, और चिकन अगर आप फ्राई करना चाहें चिकन फ्राई करके भी आप बना सकते हैं। ओके जी, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है, स्मोकी फ्लेवर है, स्वीट एंड स्मोकी फ्लेवर है। जिन लोगों को बारबेक्यू और ग्रिल किया हुआ फ्लेवर अच्छा लगता है, स्मोक फ्लेवर अच्छा लगता है, उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। उनको चाहिए कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। लकड़ियों के आग के ऊपर इसको मैंने बनाया था पहले चिकन को, फिर मैंने इसको सॉस के अंदर डिप किया और सॉस के अंदर पकाया थोड़ी देर, तो बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर बना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं, और ये बना के ज़रूर ट्राई करें। इट्स वेरी गुड, वेरी टेस्टी, और वेरी ईजी टू मेक। अस्सलामु अलैकुम।